जो लोग कहते हैं ना अरे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त करने का उन्होंने काम किया था। ज्यादातर लोग यहां से बैठे हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं देखी और जिसने इमरजेंसी भी नहीं देखी। भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए देश में से लोकतंत्र खत्म कर दिया था कि भाइयों कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि उसका चुनाव अवैध है, और उसने कोर्ट का फैसला मानने के बजाय देश से इमरजेंसी डिक्लेयर करके और देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। 85,000 लोग गिरफ्तार हुए थे भाइयों। अगर ये लोकतंत्र बचाया तो मुझे गौरव है उस बात के कि मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, मैं उस आरएसएस से जुड़ा हूं, उस बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। उन 85,000 में से 80,000 गिरफ्तारी देने वाले लोग जो थे वो या तो आरएसएस के थे और या भारतीय जनसंघ के थे। एक और मारे ऊपर आरोप लगावा कि जैसे ही इलेक्शन आवागा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर देंगे, क्योंकि अब पेट में दर्द रहा, क्योंकि मुसलमान भी जितने बकाए जाते बका लिए। ये बात याद भी देख रहे कि मुसलमान भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे। देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि जो संसाधनों पे पहला अधिकार है वो मुसलमानों का है, लेकिन आज क्या कह रहा प्रधानमंत्री कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीबों का है। तो बताओ भाई हिंदू मुसलमान कौन कर रहा? हम कर रहे हैं, वह कर रहे, वह कर रहे हिंदू मुसलमान। वो चौधर की बात करा, हरियाणा में आपने सुना कि भाई चौधर कहां की है, रोहतक की है। भाई रोहतक पता है चौधर घोषणी कहां लेनी, भिवानी लेनी। भाई चौधर खोसका कहां लेनी, सहार में लेनी। भाई चौधर खोसका कहां लेनी, सिरसा में लेनी। भाइयों 9 साल लगे मुख्यमंत्री है, किसी ने कहा चौधरी है? आगा हम चौधरी नहीं है भाई, हम सेवक है। थारे सामने हाथ जोड़ गए थे कि अपना आशीर्वाद दे दो, हम थारे लोगों का काम करेंगे। और जब तब ने आशीर्वाद दिया तो हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए सबके सब बराबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस जो है वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, लेकिन मोदी जी के हस्तक्षेप से वो परमाणु हमला रुक गया। तो भाइयों ये देखो, ये ताकत है भारत की, कि भारत की ताकत आज इतनी बड़ी ताकत है कि रूस अगर इरादा कर रहा तो रूस के इरादे को बदल सका और केवल 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। और भाइयों आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर से हम हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे। मैंने वो समय भी देखा है कांग्रेस के समय के अंदर, अगर गांव के लोग मांग करते थे कि भाई मेरे यहां गांव को सड़क लगा दो तो घोषणा तो जरूर हो जाती थी, घोषणा करके चले जाते थे, बोलते थे कि वोट दे दो सड़क बना देंगे, परंतु 5 साल लोग देखते रहते थे, वहां सड़क नहीं बनती थी। और जब अगला चुनाव आ जाता था फिर किसी को कह देते थे, कहा भाई 1-2 ट्राली मिट्टी की वर्का घेर दे और लोगों को विश्वास हो जाएगा भी भाई यहां सड़क बननी शुरू होगी, और फिर आकर के वोट ले जाते थे। ये हालात थे। और फिर भाइयों फिर वो 5 साल ऐसे निकल जाते थे, और फिर जब तीसरे बार में 5 साल के बाद आते थे फिर बोल देते थे भाई 1-2 ट्राली की किसी क्रशर से रोड़ी की उठा करके उस रोड के ऊपर डाल दे, और हमारे लोग बोल रहे थे, बात में आ जाते थे, वोट लेते रहते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार भाइयों, जो बात बोलती है अपने समय के अंदर पूरा करती है। ये बात ये कंवरपाल जी ने आज आप लोगों के बीच में बताई है कि हमने पुलों का निर्माण किया है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया, लोगों की कनेक्टिविटी नजदीक हो उसको लेकर के एक नया राष्ट्र बनाने का काम, एक नया हरियाणा बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर वो किया है, जिसकी चर्चा आज हर व्यक्ति हर गांव के अंदर करता है। भाइयों हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है और लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी आज नीति भी ठीक है,
आज भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है और जो हमारा नेता है उसकी नीयत भी ठीक है। और भाइयों, आज इस देश का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखें, ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो भाइयों उनकी नीति सही है, ना उनकी नीयत ठीक है, नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं लगा उनका कैसा कैसा नहीं। भाइयों, इसके ऊपर विचार करना, हमने बिल्कुल विचार करना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है। आप लोगों ने 2014 में कमल का बटन दबाया, आप लोगों ने 2019 के अंदर कमल का बटन दबाया और भाई आज देश एक नया भारत, सुरक्षित भारत, मजबूत भारत इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। तीसरी बार हमारे अंबाला के लोग प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे।